ये देखिए राजस्थान का सरकार का इश्तिहार है, अभी 5-6 दिन पहले ये दिया था, क्रायोजेनिक टैंक्स नहीं थे, जैसे दिल्ली में नहीं थे राजस्थान में नहीं थे, तो पहला सवाल ये पहले क्यों नहीं आए। दूसरी बात, आज बीएमसी के कमिश्नर से एक इंटरव्यू हुआ बड़े प्रतिष्ठित अखबार का, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा एक ऐसा समय आया कि लगा कि मुंबई में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, और मैंने एक एसओएस कॉल जो है वो केंद्र के सेक्रेटरी को किया, और 1 मिनट से कम समय में मेरे पास वापस एक कॉल आया और मैंने बताया कि ऑक्सीजन मुंबई में आने में 8 दिन हल्दिया से लग जाएंगे, आप मेरी मदद कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा क्यों नहीं कर सकते, हमारे नागरिक हैं, और वहां पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई की गई। फिर उनसे एक और बात पूछी गई जो आप पूछ रहे हैं कि क्या ऑक्सीजन अगर कहीं कमी पड़े और केंद्र की सरकार पर्याप्त मात्रा में दे रही हो तो केंद्र पे दोषारोपण करे, उन्होंने कहा नहीं, अगर दोषारोपण किसी पे होना है तो प्रदेश की सरकार पे, क्योंकि जब ऑक्सीजन आ जाता है वो अस्पतालों तक पहुंचे ये सुनिश्चित करने का काम प्रदेश की सरकारों का है। दूसरी बात, क्या उद्धव ठाकरे जी ने प्रधानमंत्री जी की तारीफ नहीं करी, शरद पवार जी ने तारीफ नहीं करी? ऐसा लगता है महावसूली अघाड़ी में 3 पहिए हैं, 2 पहिए अलग चलते हैं, 1 पहिया साइकिल का पंचर वाला है वो अलग चलता है। उद्धव ठाकरे और शरद पवार दोनों ने तारीफ करी। अब मैं तीसरी बात, राहुल गांधी की सुने या राहुल विंची की सुने, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन, दो व्यंग्य कर दिया आपने, वसूली सरकार और नहीं प्लीज, 1 मिनट सैयद जी, जरूरी थोड़ा है, डिरेल होते हैं सर, नहीं डिरेल नहीं, अगर आप ये बात पूरी होगी आप तय करके मुझे बता दीजिएगा 2 सेकंड में डिरेल हुए या नहीं। देखिए जब भ्रम की राजनीति और विरोधाभास की राजनीति होती है, राहुल गांधी कहते हैं लॉकडाउन लगाओ, राहुल विंची कहते हैं लॉकडाउन इज नो सोल्यूशन, वैक्सीन दो ये कहते हैं राहुल गांधी, और राहुल विंची कहते हैं कि वैक्सीन डेंजरस है, खतरनाक है, इसकी टेस्टिंग नहीं हुई है। पीएम वैक्सीन लगाए कहते हैं राहुल गांधी, राहुल विंची कहते हैं कि पीएम ने कैसे पहले वैक्सीन लगा लिया, अंगोचा तो आसानी था, ये नर्सिस तो साउथ की थी, ये तो चुनाव प्रचार है। चौथी बात, विदेशों को मदद नहीं करनी चाहिए राहुल गांधी कहते हैं, लेकिन राहुल विंची कहते हैं विदेशों से मदद आ रही है हमें भी, तो सुने तो किसकी सुने, इतना कंफ्यूजन क्यों है विपक्ष में, और हो सकता है कि इनकी नियत में भी खोट हो इसलिए ये ऐसा है। ये चाहते हैं कि मोदी जी हारे, इनको ये नहीं समझ में आता कि देश का प्रधानमंत्री हारेगा तो देश हारेगा। इस वक्त विपक्ष की भूमिका सकारात्मक होनी चाहिए, जीत की तरफ अग्रसर रहे हमारा देश ये सोचना चाहिए, राजनीति के लिए तो बहुत समय मिलेगा। धन्यवाद अभय जी, आप जरूर जवाब दीजिएगा, अभय जी नहीं जरूर जवाब दीजिएगा, लेकिन क्योंकि नहीं नहीं क्योंकि मनोजीत जी और राजीव जी की बारी है, नहीं उनका एक एक रिएक्शन बस, सीधे 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 से सर सुनिए ना, वो उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मनोजीत जी जल्दी से आप जवाब दीजिएगा ना, जैसे गौरव जी ने इंतजार किया आप भी जवाब दीजिएगा। देखिए गौरव जी को अभी पता चला कि ये जो पब्लिक हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट, पिछले साल आपको पता नहीं था, आपने किसी गवर्नमेंट के पीछे लगी थी। लास्ट पिछले अप्रैल के महीने में 2020 अप्रैल में आपने टीम भेज दी, आप क्यों टीम नहीं भेज रहे हो भाई साहब, अभी तो जरूरत है, पिछले साल तो 5000 भी केसेस नहीं थे। देखिए ये पॉलिटिक्स आप भी करने की कोशिश किए हो, आप भी क्रेडिट लेने की कोशिश किए हो, ये मानना चाहिए, इतिहास बहुत बहुत करीबी की इतिहास है ये, हम सबको मानना चाहिए। और वैक्सीनेशन लेकर भी आपका कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं, आप आज 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 की तारीख में सुप्रीम कोर्ट में कहे हो कि वैक्सीन के बारे में सुप्रीम कोर्ट को कोई हस्तक्षेप नहीं करने चाहिए, लेकिन एक स्टेट्स हर स्टेट्स के एक प्रॉब्लम है, बीजेपी रूल स्टेट का भी प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशन का प्राइस एक होनी चाहिए और वैक्सीनेशन अनइंटरप्टेड वैक्सीन स्टेट को सप्लाई करना चाहिए। थोड़ा सा समय कम है सर, राजीव रंजन जी मैं माफी चाहता हूँ, थैंक यू आप रुक गए। राजीव जी जल्दी से सर, ज्यादा नहीं 1 मिनट आपके पास है, उसके बाद 2 मिनट अभय जी के पास। राजीव जी क्या आपको भी लगता है कि केंद्र कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहा है और केंद्र अपना पल्ला झाड़ रहा है और राज्यों पर डालकर खुद अपने आप को पाक साफ दिखा रहा है? देखिए ये मुश्किल वक्त है, मैं नाइंसाफी शब्द का प्रयोग तो नहीं करूंगा, लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति को लेकर के हमारी चिंताएं भी हैं। अब तक हम लोगों को 84 लाख डोज मिले जिसमें 80 लाख डोजेज हम लोगों ने दे दी है, अब हम लोगों के पास केवल 4 लाख डोज बचे हैं। 18 से 44 वर्ष के आयु समूह के लिए हम लोगों ने 1 करोड़ डोजेस की बात कही है और 15 लाख डोजेस के लिए राशि भी जमा की है, उसमें 3.5 लाख डोज मिले।
तो ये क्या है कि जो लोग पहला डोज ले चुके हैं उनको दूसरा डोज भी समय सीमा के अंदर मिलना जी, है जी। तो फिर उसका कोई लाभ नहीं होगा। बिल्कुल, इसीलिए वैक्सीन की आपूर्ति को सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस रणनीति पर काम होना चाहिए, चाहे वो उत्पादन बढ़े या बाजार को। इसके अलावा वैक्सीन के अलावा कोई मुद्दा है आपका, क्योंकि आप तो सहयोगी होकर। देखिए, वैक्सीन एक बड़ा सवाल है, इसलिए कि वैक्सीन के जरिए ही इस महामारी का आप मुकाबला